हेलो दोस्तों, पानीराम डाल यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपने जनरल एग्रीकल्चर सामान्य कृषि विज्ञान पर कुछ डिस्कस करते हैं, जो अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनकी बात करते हैं। हाँ, तो सामान्य जानकारी में सबसे पहले भारत की कुछ जो शहर है, सिटीज है, उनको कृषि के आधार पर नाम दिया गया है, डिग्री दी गई है। जैसे आनंद, गुजरात, गुजरात का एक शहर है जिसे भारत का दूध का शहर कहा जाता है। बेंगलोर, बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है, जिसे भारत की गार्डन सिटी कहा जाता है। उसके अलावा इसे भारत का विज्ञान का शहर या भारत का सिलिकॉन वैली कहते हैं, लेकिन अपने एग्रीकल्चर से संबंधित बात जो है वो भारत की गार्डन सिटी है ना, गार्डन सिटी ऑफ इंडिया। भागलपुर बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको भारत की सिल्क सिटी कहते हैं, यानी सिल्क सिटी ऑफ इंडिया। गांधीनगर गुजरात की राजधानी है, इसे ग्रीन सिटी कहा जाता है। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, जिसे मोतियों का शहर कहते हैं। कोलम केरल का डिस्ट्रिक्ट है, इसे भारत में काजू की राजधानी कहा जाता है। मालदा वेस्ट बंगाल में है ये, इसको मैंगो सिटी कहते हैं। मैसूर कर्नाटक का शहर है, सबसे साफ सुथरा शहर है ये, इसको सैंडलवुड सिटी कहा जाता है। नागपुर महाराष्ट्र का है, जिसे ऑरेंज सिटी कहा जाता है। तिरुनेलवेली है जो तमिलनाडु में पड़ता है, इसको धान के क्षेत्र का शहर कहते हैं। नासिक महाराष्ट्र में पड़ता है, इसे वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, और उसके अलावा भारत का अंगूरों का शहर भी कहा जाता है। गुंटूर आंध्र प्रदेश में पड़ता है, इसको मिर्च का शहर कहा जाता है, या भारत का मिर्च का शहर कहा जाता है। नमकल ये तमिलनाडु में है, भारत का अंडों का शहर कहा जाता है। इरोड ये भी तमिलनाडु में है, इसे भारत में हल्दी का शहर या टर्मरिक सिटी कहा जाता है। डिब्रूगढ़ असम में है, जो भारत की में चाय का शहर कहलाता है। और मुजफ्फरपुर बिहार, इसे लीची की भूमि कहा जाता है। अकोला महाराष्ट्र, इसे कॉटन सिटी कहा जाता है। वडोदरा गुजरात, इसको बरगद का शहर कहा जाता है। ध्यान रखना, जो चाय का शहर है वो डिब्रूगढ़ असम को कहते हैं, लेकिन विश्व में सर्वाधिक जो चाय पसंद है वो है दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल की। अब कुछ घटनाओं और कुछ एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उनसे जो संबंधित व्यक्तित्व है उनकी बात करते हैं। जैसे फादर ऑफ मॉडर्न टिलेज, यानी आधुनिक भू परिष्करण के जनक जेथ्रो टूल को कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न एग्रोनॉमी, आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक पीटर डिकरसाइन जी को कहा जाता है। फादर ऑफ जीरो टिलेज, शून्य भू परिष्करण के जनक, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कुछ लोगों का मानना है जिम मैकुटेचेन कहते हैं, कुछ का मानना है ट्रिपलेट को कहते हैं। देखिए, अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग लोगों को, मतलब फादर ऑफ एनी जो भी सिगमेंट है उसकी डिग्री दी जाती है। तो जिम मैकुटेचेन को भी शून्य भू परिष्करण के जनक कहते हैं, और ट्रिपलेट को भी शून्य भू परिष्करण के जनक कहते हैं। लेकिन कभी कभार स्टूडेंट का ऐसे क्वेश्चन आता है, भी ऑप्शन में जिम के मैकुटेचेन भी आ जाए, ट्रिपलेट भी आ जाए, तो कौन सा राइट करेंगे? बिल्कुल सही बात है। पहली बात तो जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज्यादा फादर ऑफ जीरो टिलेज के नाम से जाने जाते हैं वो जिम मैकुटेचेन को है। इवन कहीं कहीं ईएच फोकनर को भी कहा जाता है, लेकिन मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जिम मैकुटेचेन को कहते हैं। तो आप जिम मैकुटेचेन राइट करोगे। लेकिन क्या होता है, इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं इनमें जब स्टूडेंट चैलेंज करता है तो ऐसे क्वेश्चन को हटा दिया जाता है। इसलिए फादर ऑफ जीरो टिलेज प्रायोरिटी दीजिए आप जिम मैकुटेचेन को, और दूसरे नंबर पर ट्रिपलेट को। नेक्स्ट है फादर ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती के जनक सर अल्बर्ट होवार्ड। फादर ऑफ मिनिमम टिलेज, न्यूनतम भू परिष्करण के जनक ई.एच. फोकनर। फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, पादप रोग विज्ञान के जनक हेनरिच एंटोन डी बेरी। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक, वर्ल्ड वाइड वैश्विक स्तर की बात है तो नरमोहन बारलोग। और फादर ऑफ ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, सजावटी बागवानी के जनक एम.एस. रंधावा। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन के जनक जस्टिन वॉन लीबेक, जिन्होंने लॉ ऑफ मिनिमम, न्यूनता का जो सिद्धांत दिया था। अपने जब प्लांट न्यूट्रेंट्स पढ़ेंगे तब उसके अंदर बात करेंगे। नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन रस्ट, भारतीय रोली रोग के जनक कैसी मेहता। फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, भारतीय रोग विज्ञान के जनक ई.जे. बटलर। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, वैश्विक स्तर पर तो अपने हरित क्रांति के जनक एनी बोरलॉग को कहते हैं, और भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को। फादर ऑफ बीटी कॉटन इन इंडिया, भारत में बीटी कपास के जनक सी.डी. मेयर को कहा जाता है।
फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के जनक लिबर्टी हेडे बेली। इसमें भी ऐसे कंफ्यूजन रहता है, कहीं थॉमस एंड्रयू नाइट लिखा होता है, कहीं लिबर्टी हेडे बेली। वैसे लिबर्टी हेडे बेली को ही फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर कहा जाता है, क्योंकि अपने यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के अकॉर्डिंग से ही मानते हैं। और कुछ यूरोपियन कंट्री या देखा जाए तो वहां थॉमस एंड्रयू नाइट को भी कहा जाता है, तो अपने यहाँ पे राइट होगा लिबर्टी हेडे बेली, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के जनक। देखो, ये कभी जरूरी नहीं होता कि जो भारत में फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर माना जाए वो वर्ल्ड में माना जाए, या जो अमेरिका में माना जाए वो यूरोप में माना जाए। इसलिए ऐसी कंट्रोवर्सी आती है हमेशा। तो फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर, उद्यान विज्ञान के जनक, वैश्विक स्तर पर पूछे तो अपने को लिबर्टी हेडे बेली ही मानना है। फादर ऑफ इंडियन हॉर्टिकल्चर, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक, डॉक्टर एम एच मौरी गावड़ा। फादर ऑफ मॉडर्न हॉर्टिकल्चर, आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक, डॉक्टर के एल चड्डा को कहते हैं। गोल्डन राइस, सुनहरी चावल। सुनहरी चावल क्या होता है, इसके अंदर कैरोटीन कंटेंट ज्यादा होता है, मतलब कैरोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, जिसकी वजह से इसका रंग थोड़ा सुनहरी होता है, और इसके जनक इंगो पोट्रिकस को माना जाता है। बाकी जब अपने राइस क्रॉप करेंगे उसके अंदर बात करेंगे। सुपर राइस, सुपर राइस क्या होता है, जो सामान्य धान की किस्में होती है उनसे जो 1.5 गुना से ज्यादा उत्पादन देता है उसे सुपर राइस कहा जाता है। ऐसा ही सुपर वीट होता है, जो सामान्य किस्मों से 1.5 गुना से ज्यादा उत्पादन देती है उसको सुपर वीट बोलते हैं। जैसे आपने सुपर राइस की सबसे फेमस वेरायटी पढ़ी होगी लूनसरी, एग्जाम में भी पूछ ली जाती है, तो लूनसरी है वो सुपर राइस कहलाएगी। तो सुपर राइस के जनक जी एस खुश। हाइब्रिड राइस, संकर धान के जनक ग्योन लॉन्ग पिंग। सुपर वीट के जनक है एस नागाराजन। बीटी कॉटन इन इंडिया, भारत में बीटी कपास के जो जनक है वो सीडी मई। और प्रोटैटो, अधिक प्रोटीन वाला जो आलू होता है उसको बोलते हैं प्रोटैटो। इसके जनक आशीष दत्ता को कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव के जनक जेबी फोरलर को कहते हैं। बूंद बूंद सिंचाई विधि, ड्रिप इरिगेशन की खोज की थी सीमेच ब्लास ने। फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक डी कैंडोली को कहा जाता है। फादर ऑफ पेडोलॉजी, पेडोलॉजी के जनक वीवी डोकुचेव, जो रशियन वैज्ञानिक है, उनको कहा जाता है। फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी, फादर ऑफ एग्रोक्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है कोपेन को। और फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी, भारतीय कृषि मौसम विज्ञान के जनक एल ए रामदास को कहा जाता है। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस, कुछ ऐसे दिन होते हैं जो कृषि से संबंधित सेगमेंट है उनके लिए सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उनकी बात करते हैं। 3 जनवरी को विश्व व्यापार संगठन स्थापना दिवस माना जाता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ना, उसकी स्थापना हुई थी इस दिन, इसलिए इसको विश्व व्यापार संगठन स्थापना दिवस कहते हैं। 25 जनवरी विश्व पर्यटन दिवस, 2 फरवरी विश्व आर्द्र भूमि दिवस, 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस, 21 मार्च विश्व वन दिवस वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च विश्व जल दिवस वर्ल्ड वाटर डेज, 23 मार्च विश्व मौसम विज्ञान दिवस, 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, 18 अप्रैल विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे, 22 अप्रैल अर्थ डे पृथ्वी दिवस, 26 अप्रैल विश्व बौद्धिक दिवस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल डे, अप्रैल के अंतिम शनिवार को विश्व पशु चिकित्सा दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, 1 मई अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, 3 मई अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस, 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, 15 मई अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 1 जून विश्व दूध दिवस, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, 8 जून विश्व महासागर दिवस वर्ल्ड ओशियन डेज, 17 जून वर्ल्ड डे टू कॉम्बेट डेजर्टिफिकेशन, 29 जून सांख्यिकी दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई को नाबार्ड की स्थापना दिवस मनाया जाता है, 16 जुलाई को आईसीएआर स्थापना दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 1 से 7 अक्टूबर को विश्व वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, 3 अक्टूबर वर्ल्ड हैबिटेंट डे, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस, 6 अक्टूबर विश्व वन्य जीव दिवस और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस, 3 दिसंबर को एग्रीकल्चर एजुकेशन डे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोयल डे, ये भी इम्पोर्टेंट है,
15 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस और 23 दिसंबर को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाँ दोस्तों, अगर आप एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर सक्सेस जो मेरी लिखी गई बुक है, ये हिंदी मीडियम में भी है, इंग्लिश मीडियम में, लेकिन जिसमें हिंदी में नाम लिखा हुआ है वो हिंदी मीडियम में, और जिसमें इंग्लिश में लिखा हुआ है वो इंग्लिश मीडियम में, ये आपको असिस्ट कर सकती है, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। दोस्तों अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।